हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और बाकी जो अदर 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पास क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम मेन क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके अंदर जो थर्ड है उसको सॉल्व करें। ठीक है, बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिचुएशन मतलब क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसी की बात कर रहा है। ठीक है ना, उसको बस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कुल मिला के जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला के छोड़ देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हमको उसको सॉल्व नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगा उसको और सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ला के छोड़ देना। ठीक है ना, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कहने का मतलब यह है कि जो रोहन की मम्मी है, रोहन से 26 साल बड़ी है, या उनका जो उम्र है रोहन की उम्र से 26 साल अधिक है। ठीक है ना, 26 ईयर ओल्डर है, 26 ईयर बड़ा है। ठीक है ना, मतलब रोहन का जो एज है उस एज से, ठीक है ना, उस एज से रोहन की मम्मी का जो एज है वो 26 साल बड़ा है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर, ईयर में, साल में, ठीक है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उन दोनों का जो एज है, यानी रोहन का एज और उसकी मम्मी का एज, आज से 3 साल बाद, ठीक है ना, उन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, मतलब दोनों को एज को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 360 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद बोला है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है ना, मतलब ये जो दिया है ये हमारे लिए नहीं है, ये क्वेश्चन जो बनाया है उसके लिए। ठीक है ना, ये जो लाइन है वो क्या करना चाहता है, रोहन का जो प्रेजेंट एज है उसको फाइंड करना चाहता है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है ना, हमको बस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाकर छोड़ देना। ठीक है ना, फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए, रोहन है, उसकी मम्मी है, ठीक है ना, उन दोनों का एज का कंपेरिजन किया जा रहा है। ठीक है ना, रोहन का जो एज है, ठीक है ना, समझिए बात को, और उसकी मम्मी का जो एज है, तो रोहन की एज से, ठीक है ना, उसकी जो मम्मी वाला एज है वो 26 साल अधिक है। ठीक है ना, मतलब रोहन का एज मान लीजिए जो भी है, ठीक है ना, एक्स है, तो उसकी मम्मी का जो एज होगा वो एक्स प्लस 26 होगा, क्योंकि 26 साल अधिक है, ओल्डर यानी क्या, अधिक ही होता है ना, ठीक है ना, बड़ा है। ठीक, तो एक्स प्लस 26, ठीक है ना। उसके बाद आज से 3 साल बाद, बोल रहे हैं आज से 3 साल बाद उन दोनों एज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। ठीक है ना, इस बेस पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे रोहन का एज और उसकी मम्मी का एज का कंपेरिजन किया जाए, ठीक है ना, तो हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, जो हमारा रोहन का एज है, ठीक है ना, लेट रोहन एज बी एक्स ईयर, ठीक है ना, साल में बोला है ना, मंथ में नहीं बोला है, ईयर, ठीक है ना, हमने माना कि जो रोहन का एज है वो कितना है, एक्स ईयर, ठीक है ना, हमने लेट कर लिया है, हम जानते तो है नहीं, लेकिन उसकी मम्मी का एज जानते हैं हम, रोहन का एज हमको नहीं पता है, लेकिन उसकी मम्मी का एज पता है हमको, क्या है कि रोहन के एज से 26 साल अधिक है। ठीक है ना, देन रोहन वो है ना मदर्स एज, ठीक है ना, मदर एज बी कितना होगा, एक्स प्लस 26 ईयर, ये हमको पता है कि उसकी जो मम्मी का एज होगा, रोहन का एज जितना भी हो उससे 26 साल अधिक ही होगा। ठीक है ना, ईयर, ईयर, ठीक, एक साल के तो होंगे नहीं इसलिए ईयर्स लिख दिया। ठीक है ना, फिर से एक बार समझाता हूं, मानना किसको है, रोहन का एज को, ठीक है ना, जिसको जानना है उसको नहीं मानना है, जिसको हम नहीं जानते उसको मान के चलना है, रोहन का एज हमको नहीं पता है, उसको हमने मान लिया एक्स, लेकिन उसकी मम्मी का एज हमको पता है कि जितना रोहन का एज होगा उसमें हम 26 ऐड कर देंगे, 26 ऐड कर देंगे, साफ साफ लिखा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब 26 साल, 26 ईयर
उसकी उम्र से यानी रोहन की उम्र से बड़ी है, ओल्डर है, ठीक है ना, ये हमको मालूम था, क्वेश्चन में गिवेन था, ठीक है ना। अब देखिए, अब बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट होगा कब, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर फॉर्म नाउ, ठीक है ना, मतलब आज से 3 साल बाद वो हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 ईयर फॉर्म नाउ का मतलब आपको समझाता हूं, ठीक है ना, 3 ईयर फॉर्म नाउ, ठीक है ना, आज से 3 साल बाद, ठीक है ना, 3 ईयर फॉर्म नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, ठीक है ना, फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, अब से 3 साल बाद, ठीक है ना। अब देखिए, आज से 3 साल बाद रोहन का भी एज तो 3 साल बड़ा हो जाएगा और उसकी मम्मी का भी एज तो 3 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर देखा जाए 3 ईयर फॉर्म नाउ जो रोहन का एज होगा, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा उसके पहले वाले एज से 3 साल अधिक हो जाएगा ना, अरे आराम से हो जाएगा, क्योंकि आज उसका एज कितना है, 1 ईयर है, ठीक है ना। ये जो हमने सपोज किया ये क्या है, प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, हमेशा प्रेजेंट एज को ही सपोज किया जाता है, और जो फ्यूचर और जो पास्ट एज आता है ना उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाया जाता है, कि क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 ईयर फॉर्म नाउ दिया है कि 3 ईयर पहले दिया है, ये सब क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसके अनुसार बनाया जाता है, लेकिन जो सपोज करते हैं ये हमेशा प्रेजेंट एज ही सपोज करते हैं, ठीक है ना। तो आज उसका प्रेजेंट एज एक्स है, तो 3 साल बाद उसका क्या एज होगा, तो उसके प्रेजेंट एज में 3 साल जोड़ देंगे, और सेम वैसे उसकी मम्मी क्या करेंगे, ठीक है ना, रोहन्स मदर एज वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये उसकी मम्मी का एज है, उसमें 3 हम ऐड कर देंगे 3 साल बाद, ठीक है ना। अब देखिए 3 साल बाद इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद, ठीक है ना, इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट है, यही पास फॉलो कर दूंगा, चलिए यही पास कर देता हूं, इन दोनों एज का प्रोडक्ट यानी रोहन का एज का प्रोडक्ट करेंगे उसकी मम्मी के एज से, ठीक है ना, एक्स प्लस 3 यहां पास हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3 और कितना हो जाएगा, वो 360 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। पहले यहां पास एक्स प्लस 3 रहने देते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा, 26 प्लस 3 29 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 360। अब एक्स का मल्टीप्लाई पहले इसमें करते हैं, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x प्लस 29 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 29 इक्वल टू 360, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को हम इसके अगला जो स्टेप होगा, ठीक है ना, इसका अगला जो स्टेप होगा उसको हम यहां पास सॉल्व करें, ठीक है, नीचे स्पेस का मैं, ठीक है, इसलिए मैं वहां पास सॉल्व कर रहा हूं, कोई दिक्कत। इसका जो अगला स्टेप होगा, मतलब इसके नीचे ना लिखे, मैं यहां पास लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब x का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो x इंटू x स्क्वायर होगा सबसे पहले, प्लस फिर x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे, तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x होगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 में करते हैं, तो 29 इंटू 3 यहां पास करके आपको दिखा देता हूं, 3 × 27 को 7, 3 × 2 = 6, 2 = 8 87 होगा, देख लीजिए, 3 × 9 = 27, 7 × 2 = 2, 3 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 प्लस 2 = 8, 87 यहां पास हो जाएगा, 87 इक्वल टू 306 नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पास 87 इक्वल टू 306, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कैमरा में, नहीं दिख रहा है आपको, अब दिखने लगेगा, अब आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32x हो जाएगा, प्लस 87
ये जो 360 है इसको इधर ला देते हैं तो माइनस 360 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर 22x टू ना। अब 360 में 87 को माइनस कीजिए 3 15 7 273 आएगा ठीक है ना। माइनस साइन लगा देंगे बिगर नंबर का जो साइन रहता है वही लगता है 273 इक्वल टू जीरो। ये आपका किस फॉर्मेट में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में ठीक है ना। और ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही लाना है और यही आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। अब इसमें एक चीज लिखने वाली बात यह है यहां पास जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा वो किस चीज का वैल्यू होगा ठीक है ना या x किसका वैल्यू देगा ठीक है ना। तो x जो वैल्यू देगा वो रोहन का एज पर जो x का वैल्यू आएगा वो रोहन का प्रेजेंट एज होगा ठीक है ना। यहां पर हम लिख सकते हैं वेयर x इज द रोहन एज या रोहन प्रेजेंट एज जो भी लिखना चाहे रोहन एज जो एक्स होगा वो साल में होगा ठीक है ना। यहाँ पास ईयर लिख देता हूँ वाई लिख दिया आप एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ नहीं तो फिर कुछ बच्चे कमेंट करने लगेंगे वेयर एक्स ठीक है जितना भी आएगा वो ईयर में आएगा ठीक है ना ईयर्स में आएगा ठीक है ना। वो रोहन का परसेंटेज होगा ठीक है ना। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसका आंसर भी हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल एकेएमडी कोर्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कहीं पास भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है ना। रिप्लाई तुरंत नहीं मिलेगा कोई बात नहीं एक दिन बाद ही सही लेकिन रिप्लाई दिया जाएगा अगर आपको डाउट होगा तो ठीक है ना। अगर करेक्ट अगर आपको कहीं पास डाउट है कहीं पास भी ठीक है ना यही क्वेश्चन है कोई सा भी क्वेश्चन में आप कहीं मान लिया कहीं मैं गलती ही कर दे ठीक है ना तो आप वहां पास टाइमिंग डाल के आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टाइमिंग पर आपने ये गलती किया हम उस चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर वीडियो तो क्लिप कट होगा तो कट कर देंगे नहीं तो कमेंट में हम उसका आंसर लिख देंगे कि इस जो गलत किया हमने उसका करेक्ट आंसर क्या है पिन कर देंगे उसको। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा जहां पास भी गलती लगे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।